मैं हूं आपके साथ पुनीत शर्मा और बात कर रहे हैं हैदराबाद चुनाव की। जी हां, चुनाव में आज 1122 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव के लिए लोगों से संपर्क बनाए रखा, जहां ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC चुनाव की 150 सीटों पर मतगणना जारी है और बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में ही अपनी जगह बना चुकी है। बीजेपी 82 सीटों पर आगे है, वहीं सत्तारूढ़ TRS 34 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद में दूसरे नंबर पर काबिज रही ओबीसी की पार्टी फिलहाल 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। बता दें, बीजेपी ने जिस तरह चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी उसका फायदा होता दिख रहा है। साथ ही शाह नड्डा और योगी समेत सभी बड़े नेताओं ने प्रचार भी किया था। और आज कौन हैदराबाद चुनाव में मारेगा बाजी, इसकी तस्वीर दोपहर तक साफ हो जाएगी। आप देखते रहे राजखबर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।